आ परिणामों आव्या छे, हवे आगळ शुं थशे ने ए बधा वच्चे एक मोटा समाचार के हवे राजनैतिक हलचल तेज थई गई छे, जे स्वाभाविक हती। शिंदे ग्रुपना चार सांसद उद्धव ग्रुपना संपर्कमां होवानुं सामे आव्युं छे। साथे ज पटनामां नीतीश कुमारे जेडीयूना नेताओ साथे बैठक योजी छे। नीतीश कुमारे चिराग पासवान साथे पण मुलाकात करी छे। एनडीए नी सरकार बनवा जई रही होवानुं चिराग पासवाने दावो कर्यो छे। आ बाजु नागपुरमां जीत बाद नितिन गडकरी दिल्ली पहोंची चुक्या छे। एनडीए नी बैठकमां तेओ भाग लेवाना छे। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जवा माटे रवाना थई चुक्या छे। शरद पवार दिल्ली जवा माटे रवाना थई चुक्या छे। सुप्रिया सुले पण दिल्ली जवा माटे रवाना थई चुक्या छे। एटले के इंडिया अने एनडीए जेटला पण घटक दळो छे એ બધા જ દિલ્હી જવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે, કારણ કે સાંજે 4 વાગે ઇન્ડિયાની એનડીએની બેઠક છે અને સાંજે 6 વાગે ઇન્ડિયા ગઠબંધનની બેઠક છે અને એમાં નેતાઓ જવા માટે રવાના થઈ ચૂક્યા છે। પણ સવાલ એ છે કે કોણ કોના પર ભરોસો કરશે, કારણ કે જ્યારે નીતિશ કુમાર દિલ્હી જવા માટે રવાના થયા તેજસ્વી યાદવ એમની સાથે ફ્લાઇટની અંદર હતા, ચંદ્રબાબુ નાયડુ કઈ બાજુ જાય છે, એમનો રવૈયો શું છે એ પણ વાત છે, અને જે સમાચાર આવ્યા છે શિંદે ગ્રુપના સાંસદોના ઉદ્ધવ ઠાકરે સાથે સંપર્કમાં હોવાના, આખરે ઘણું બધું કહી જાય છે આ રાજનૈતિક હલચલ। आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग है शाम को 6 बजे, उसमें हम सब लोग बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे आगे की रणनीति क्या है। जहां तक इन दोनों नेताओं का प्रश्न है, 2019 के पहले किस प्रकार से खुद चंद्रबाबू नायडू जी ने पूरे देश में सबको संगठित करने का प्रयास किया था और मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ फेडरल स्ट्रक्चर के मुद्दे को लेकर यहीं दिल्ली के अंदर उन्होंने धरना भी दिया था कि राज्यों के हक मारे जा रहे हैं सरकार के द्वारा, और यही काम खुद नीतीश कुमार जी ने किया था इंडिया गठबंधन को संगठित करने के लिए। तो अगर आप देखें तो स्वाभाविक रूप से इनके मन में कोई श्रद्धा या कोई रेस्पेक्ट मोदी और अमित शाह को लेके है ऐसा मैं नहीं मानता। बाकी उनको उनकी पार्टी है, उनको फैसला करना है। आज हम लोग जब इंडिया गठबंधन की बैठक में इकट्ठा होंगे तो उसमें आगे की रणनीति तय करेंगे। देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सब लोगों ने मतदान किया, और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजोरिटी से बहुत दूर रहेगी। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडे होंगी।